है ना, पिक्चर्स वर डिफरेंट दिस टाइम. यस सर, आई होप. दे वर फनी पिक्चर्स. यस सर, इस बार जीआईएफ में था. यस सर. सो यू हैड लिटिल बिट मोर फन टाइम, यू नो. चलो जी, व्हिच वन सर? 8th क्वेश्चन. टिंग 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 टिंग. कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन सोडा इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन. सॉल्यूट जो कम होगा, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा. सॉल्यूट यहां पर गैस है और सॉल्वेंट जो सर गैस लिक्विड. सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि सर इसमें लिखेंगे कैसे, लिक्विड या गैस? सर कैसे भी हो सकता है कि पहले कुछ भी लिख सकते हैं? पहले कुछ भी मतलब? सर मतलब पहले सॉल्यूट या सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट सॉल्यूट, पहले कुछ भी लिख सकते हैं. ये आप ना बीच में जो डैश है ना उसको इन मान के चलेंगे. गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन एयर, है ना, इट्स लाइक दैट. और ये यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोल रहा है ना आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन. ओके सर. ठीक है, ओके. विच वन सर? 12th. 12th. The concentration of solution is the mass of solute in grams, which is present in. The concentration जो है वो mass in grams, which is present in 100 grams of solution. Concentration of solution is the mass of solute in grams present in 100 grams of solution. ठीक है, 100 ग्राम्स में अगर 15 ग्राम्स जो है वो NaCl है तो विल से इट्स अ 15% सॉल्यूशन इज देयर. सर 15. 15. फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इन लिक्विड. तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है. सॉल्युबिलिटी किसकी इंक्रीज करती है? सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. You know, so answer is, अगर गैस वाटर को गर्म करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होगी और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. ये तो क्लास में किया था, इसमें किस क्यों डाउट आया बेटा आपको? हमने ग्राफ भी ड्रॉ किए थे है ना, याद हो आपको? Yes. तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है. किस केस में होगा? सॉलिड की केस में. ओके, विच वन सर? क्वेश्चन नंबर 13. 13. बट स्टिल है ना, विदाउट एनी रिलक्टेंस और हेजिटेशन. डाउट है तो है, इजी क्वेश्चन है, तब भी आप पूछें, जरूर पूछें डाउट में. ठीक है, कई बार जो है स्टूडेंट्स 2+3 पर भी स्टक हो जाते हैं, तो नहीं पूछेंगे तो वहीं पर ही स्टक रहेंगे हमेशा. ओके, व्हाट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड एज? What is the substance that dissolves in a solution called? Sir, इसके options थोड़े से उल्टे सीधे से लग रहे थे. ये तो question ही उल्टा सीधा लग रहा है. What is the substance? Yes, sir. इसमें से क्या answer होगा या फिर ये options गलत हैं? Okay, which one? Twentieth. A solution has been prepared by dissolving 10 gram of urea in 100 gram of water. What is the mass percentage? है ना? किसने पूछा है क्वेश्चन? शाश्वत से कहना हेल्प करो मेरी. मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो यूरिया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज, दिस इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, समझे आप? सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों को मिक्स किया तो जो मिला वो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मास कितना है बताओ? 110 ग्राम, है ना? तो ये कितना आ गया? 1/11. 1/11 इन डेसिमल कितना होता है? 9.09. फ्रैक्शन टू डेसिमल है ना, टेबल रखनी पड़ेगी आपको. विच वन? बस हो गया,
अच्छा 22 26 कुछ सर क्वेश्चन नंबर 21 मीनिंग ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ NaCl 15% सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा 15% सॉल्यूशन का मतलब है कि NaCl अगर 15 ग्राम्स है तो सॉल्यूशन कितना ग्राम है 100 ग्राम तो सॉल्यूशन में NaCl 15 है तो वाटर कितना ग्राम हो गया वाटर आवाज नहीं आ रही भाई शाश्वत फिर से हाँ जी बोलो शाश्वत कुछ नहीं सर मैं ये बोल रहा था कि आई अंडरस्टूड दैट क्वेश्चन हाँ जो आप अंडरस्टूड बोल रहे हैं मैं पिछली क्लास में जब भी मैंने क्वेश्चन कराया आई टोल्ड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि आप लोग बस एक ही मिस्टेक करते हैं आप सॉल्यूशन अपॉन सॉल्यूशन की जगह हमेशा अपॉन सॉल्वेंट कर जाते हैं है ना वॉटर इज नॉट अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज वॉटर प्लस NaCl है ना तो सब बस उस चीज का ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है सेवेंथ क्लास का परसेंटेज है 22nd क्वेश्चन देखते हैं अ सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन ऑफ 20% सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय मास ठीक है द मास ऑफ वाटर इज 100 kg फाइंड द मास ऑफ सॉल्ट आप समझो इस चीज को ये हमारे पास सॉल्यूशन है ना सॉल्यूशन में दो चीजें हैं क्या है दो चीजें एक है सॉल्ट एक है वाटर ठीक है सॉल्ट कितना परसेंट 20% तो वाटर कितना परसेंट होगा ऑफ कोर्स 80% कुछ और थोड़ी ना इसमें अब इस 80% में ये कितना है ये 100 kg है आप यूनिटरी मेथड लगा लें है ना 80% अगर 100 kg है तो 20% कितना हो जाएगा 20/80 × 100 दैट इज 40 kg नहीं सॉरी 50 कितना आ रहा है भाई दिस इज 1/4 25 kg और आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है आपको ना सर आपने फॉर्मूला लिखवाया है उनका क्या करेंगे वो तो बेकार हो जाएंगे तो फॉर्मूला लिख लो आप फॉर्मूला क्या है बताओ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है यहां पे आपको गिवन ही नहीं है ना तो कितना अज्यूम करोगे आप x तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है x 100 लेकिन 100 तो केजी में है तो एक्स भी केजी में आ जाएगा रेशियो होती है तो आपका यूनिट कैंसिल हो जाती है बेटा ठीक है इनटू 100 ये कितना गिवन है मास परसेंटेज कितना गिवन है 20% तो इक्वल टू 20 कर लो आप इसको है ना आप सिंपलीफाई कर लें ये कैंसिल होकर 5 हो गया तो 5x is x plus 100 तो x कितना हो गया 4x is 100 x is 25 kg एक फॉर्मूला है बस वही फॉर्मूला तो लगना है और कोई फॉर्मूला है ही नहीं देखते हैं देखो How much water should be added in 16 ml acetone to make the concentration 48%? ठीक है? 48% is solute upon solution. बात खत्म? यही तो है ना? सर 48% को 48 upon 100 में लेना ना? ना 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 क्योंकि यहाँ पर भी तो परसेंट था 100% वापस में परसेंट कैंसिल होंगे ठीक है सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आप आगे बढ़े Yes, sir. Okay. Jaditya has asked 13th. Beta, 13th answer ho gaya hai kya? Adhiraj is saying 8th. 13th question. Sir, 13th sir, ho gaya. Sir, I had sent 8th before. Sir, you had done it. Okay, chalo ji.
11th की और एक क्वेरी आई है. Which of the following statement is not true about the true solution? ठीक है, जो true नहीं है. True solution can pass through filter paper. तो अभी ये माने आप पानी और नमक का अपने एक है ना solution बनाया है, तो filter paper से आराम से pass होगा. पानी निकलेगा तो साथ में salt भी जाएगा. It is homogeneous. Yes. At constant temperature, particles of solute settle down. आप नमक और पानी का जो solution है उसको 10 साल तक रखे रखें, जो सॉल्ट है वो सेटल नहीं होगा कभी भी, है ना. दिस इज रॉन्ग. राइट, चलो जी. आई होप ऑल ऑफ यू विल अप्रिशिएट. सर, ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशंस आर सेम. ओके सर. तो हमने हर टॉपिक को बहुत डिटेल में कर लिया. ठीक है, अब कोलॉइड और करते हैं. गिव द हेडिंग. अभी हमने जो किया था होमोजीनियस किया था. सो नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन डिस्कस किया. तो आपकी हेडिंग कैसे चल रही है अगर आपको याद हो? बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने जो किया है वही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं. Yes, sir. है ना. तो हमने यहाँ पर देखा मिक्सचर के बारे में पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद होमोजीनियस हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस में सिर्फ सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर हमने कैटेगरीज वाइज टाइप ऑफ सॉल्यूशन किया, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. अब हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में कोलॉइड, कोलॉइड की मैंने बताया था 8 कैटेगरीज हैं, और सस्पेंशन 2 हैं हमारे पास. ठीक है, तो इनका पढ़ने के बाद देन वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3. ये हो जाएगा तो हमारा बेसिकली 60% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. 40% इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, दैट्स बोरोड फ्रॉम क्लास 6. So heterogeneous में we are discussing about colloid. ठीक है, colloid को भी also call it as colloidal solution. सर पर solution तो homogeneous होता है. क्या homogeneous होता है? तो हम खाली solution नहीं बोल रहे ना, colloidal solution. It's not a solution, it's a colloidal solution भी बोलते हैं इसको. खाली solution अलग है, colloidal solution अलग है. ठीक है ना. तो आपका जो solution है उसमें particle का size जो है वो बहुत छोटा होता है. ठीक है, कि it's fully dispersed. जो colloid है यहाँ पर particle का size थोड़ा सा बड़ा होगा, and जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि थोड़ी देर आप रखेंगे तो वो सेटल डाउन कर जाएगा. ठीक है, तो यहां पर जब हम पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट पार्टिकल. सॉल्यूट पार्टिकल साइज दैट इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, है ना. 1 to सर कोलॉइड में छोटा होता है, सॉल्यूशन में सबसे छोटा होता है. ओके, यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो 1 to 1000 नैनोमीटर्स के बीच होते हैं. ठीक है, सो दैट इज 10^-9 to 10^-6 नैनोमीटर्स. ठीक है,
not big enough to settle down. पानी में अगर आप मिट्टी या चौक को मिलाते हैं तो चौक के जो पीसीज हैं या मड के जो पीसीज हैं, दे आर लार्जर इन साइज एंड दे रिमेन सस्पेंडेड, दे रिमेन, दे विल सेटल डाउन. सॉरी, अगर आप उसको सस्पेंशन को यू विल कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, देन व्हाट विल हैपन, इट विल सेटल डाउन. इन केस ऑफ कोलॉइड इट्स नॉट सेटलिंग डाउन. ठीक है, तो सर इन कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर नॉट बिग इनफ टू सेटल डाउन. ठीक है, इन सस्पेंशन दे आर बिग इनफ कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट लग रहा है एंड दे सेटल डाउन. ओके सर. So they have got, जैसे हमारे पास सोल्यूशन में, जैसे हमारे पास बेटा था सोल्यूशन में, क्या था हमारे पास सोल्यूशन में, वी हैव गॉट सोल्यूट इज देयर एंड सोलवेंट इज देयर. ठीक है, इन केस ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड में आपके पास डिस्पर्स्ड फेज, फेज कौन से, तीन फेज है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एंड दिस इज डिस्पर्स्ड मीडियम, जिसके अंदर डिस्पर्स हो रहा है, दैट इज डिस्पर्स्ड मीडियम इज देयर. ठीक है, तो यहां पर यू कैन हैव अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड और अ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, आपका सॉल्यूशन में भी हमने देखा था ना, सॉलिड डिसॉल्वड इन लिक्विड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स पुट इन NaCl, बोथ वर सेपरेट सोल्यूशन. सोल्यूशन वॉज लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे ही यहां पर है, सिर्फ सोल्यूट और सॉल्वेंट की जगह वी आर सेइंग डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम. जो डिस्पर्स्ड हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज दैट इज इन स्मॉल क्वांटिटी, डिस्पर्स्ड मीडियम इज इन लार्जर क्वांटिटी. ठीक है, सो टाइप ऑफ सॉलिड में वी विल, टाइप ऑफ कोलॉइड में वी विल सी. लेट्स गिव द हेडिंग type of colloids. solid in solid particles hai, kiske andar hai beta, they can be in solid, liquid and gas. Agreed? yes sir. To pehla case ho gaya hamara solid in solid. Ye samajh mein aaya aapko? दूसरा केस हमारा होगा सॉलिड इन लिक्विड, और तीसरा केस क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड इन गैस. अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में डाला, ठीक है, जैसे सॉलिड नमक होता है ना, नमक को आप पानी में डालते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है. यहां पर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, यहां पर आपके पास जो सॉलिड इन लिक्विड मिलाएंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज अ सोल. सॉल्यूशन की जगह हम इसको यहां बोल रहे हैं सोल. क्या बोल रहे हैं हम? सोल. एंड सॉलिड इन सॉलिड इज कॉल्ड एज सॉलिड सोल, एंड सॉलिड इन गैस इज कॉल्ड एज सॉलिड एरोसोल. ये अलग अलग टाइप के कोलॉइड हैं, ये अलग अलग टाइप के कोलॉइड हैं. ठीक है, अब एग्जांपल देखें एक बार. आप कुछ बोल रहे थे बेटा? यस सर, दैट सोल इज सॉल्यूशन. नो, सॉल्यूशन के पहले तीन वर्ड लेकर सोल बनाया है, बट सोल इज नॉट शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. सोल इज अ वर्ड बाय इटसेल्फ. ठीक है, ओके सर. अब आप मेरे को हिंट दें, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, कोलॉइड है तो बहुत अच्छे से डिस्पर्स्ड होगा. कोलॉइड इन अ वे, कोलॉइड अगर आप देखेंगे तो बाहर से फर्स्ट लुक में आपको लगेगा कि वो इवनली थोरोली डिस्पर्स्ड है ना, मैक्रोस्कोपिकली इट लुक्स थोरोली डिस्पर्स्ड,
बट माइक्रोस्कोपिकली जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो यू विल नॉट फाइंड देम होमोजीनियस. आप समझ गए, कोलॉइड वैसे हेट्रोजीनियस है नो डाउट, बट जब आप उसको नॉर्मल वे में देखेंगे तो आपको वो होमोजीनियस दिखेगा, बट माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको वो पता चलता है कि ओहो ये तो हेट्रोजीनियस है. जैसे मिल्क है, आप देखते हैं मिल्क को तो आप कहते हैं ना कि ये इवनली है, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट माइक्रोस्कोप पर देखने पर आपको पता चलेगा इट्स नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. एग्रीड एग्रीड. अब ये याद करने का देखो बहुत इजी सा वे है ना. तो आप यहाँ पर देखा आपने सॉलिड को आप डिस्पर्स कर रहे हैं, तो दिस इज सॉलिड इन लिक्विड इज सोल, सॉलिड इन सॉलिड इज सॉलिड सोल, एंड सॉलिड इन एयर इज एरोसोल, है ना, सॉलिड एरोसोल. सर सॉलिड इन एयर और गैस? इन गैस. ठीक है, अब सॉलिड इन गैस का एग्जांपल बताओ. अब गैस में मतलब ये गैस जो है ये एयर भी हो सकती है ना. सुबह सुबह सनलाइट आती है, सनलाइट में अगर आप देखेंगे आपको चीजें फ्लोट करती हुई नजर आती हैं. ठीक है, वो डस्ट जो है वो जो डस्ट है पर्टिकुलर है ना वो सेटल नहीं होती है. दैट विल देयर, आप सुबह देखेंगे तो शाम तक भी आपको वो डस्ट फ्लोट करते हुए नजर आएगी. ठीक है, सो यू हैव गॉट सॉलिड इन एरोसोल, एग्जाम्पल इज डस्ट. और बताएं, हवा में अगर स्मोक, स्मोक इज देयर है ना, स्मोग इज देयर. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन सॉलिड इन लिक्विड. अब इसको समझे, अगर मैं लिक्विड लिया तो लिक्विड तो बिल्कुल फ्रीली फ्लो करेगा, लेकिन सॉलिड लिया तो वो स्टेशनरी है, उसकी शेप चेंज नहीं करेगी. सॉलिड इन लिक्विड, आपको क्या लगता है इसकी शेप कैसी होगी? ना ना ना, डिस्पर्स्ड मीडियम तो लिक्विड है, आप समझो इस चीज को. डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है? वो तो लिक्विड है ना, तो जब उसमें आप सॉलिड मिला देंगे तो ये क्या होगा, ये रहेगा लिक्विड बट सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज जो है वो हल्की हल्की सी अचीव कर रहा है ना. अगर बहुत ज्यादा मिलाया आपने तो बहुत ज्यादा है ना. इसमें देखो एग्जांपल क्या है, कम मिलाएंगे तो कम, ज्यादा मिलाएंगे ज्यादा, है ना. टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट आप अगर निकालते हैं तो वो आप क्या उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, क्या सॉलिड डालेंगे या लिक्विड डालेंगे, है ना. वो ड्रॉप बन के गिरता है, चाहे थोड़ी देर में गिरे बट इट फॉर्म्स अ ड्रॉप, सो इट्स अ लिक्विड बट इट इज हैविंग अ सॉलिड इन इट, है ना. तो अगर आप हनी की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप ब्लड की बात करेंगे जिसकी भी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है ना, तो दे आर हैविंग सम सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. आप पानी की विस्कोसिटी देखें, पानी का फ्लो देखें, और पानी के अंदर नमक डाला उसका फ्लो देखें, तो वो सेम दिखेगा आपको, बिल्कुल सेम दिखेगा. बट जब कोलॉइडल होगा तो वो फ्लो जो है वो रिड्यूस डाउन हो जाता है. ठीक है, अगर आप पेंट देखेंगे, पेंट इज अ थिक वन, पेंट थिक है ना, उसके अंदर दैट्स अ लिक्विड इज देयर बट हैविंग अ सॉलिड इन इट. एंड यू हैव गॉट इंक इज देयर, यू हैव गॉट प्रोटोप्लाज्म इज देयर. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. हाँ जी सर, आइस. आइस, आइस क्या बेटा, आइस तो प्योर सब्सटेंस है, वो तो मिक्सचर ही नहीं है. सर सोप भी हो सकता है क्या? क्या हो सकता है सर? सोप. सोप बताओ, क्या वो लिक्विड होता है? सॉलिड होता है ना सोप. लिक्विड वाला भी तो. हाँ, लिक्विड सोप दैट विल कम, स्पेशली फेस वॉश जो है आपका, है ना, फेस वॉश. ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में आपका जो है बेटा विल बी कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लास, पेंट, जेम, जो रूबीज वगैरह होती हैं, जेम्स होते हैं, है ना, दोज विल बी देयर. पेंट जो है बेटा, देखो पेंट सॉलिड थोड़ी ना है, सॉलिड इन सॉलिड हैज टू बी सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड में वो फ्लो कैसे कर सकता, कर ही नहीं सकता. सॉलिड के अंदर सॉलिड डाला तो इट विल रिमेन ए सॉलिड ओनली, राइट.
तो मेन प्रॉपर्टी मेजर प्रॉपर्टी इज सॉलिड सो इट इज कलर्ड ग्लास एंड जेम्स आर द एग्जांपल एक्सक्यूज मी सर बोलो बोलो सर बट ग्लास इज लिक्विड नहीं बेटा ग्लास इज सॉलिड ठीक है ग्लास जो है वो सॉलिड है ठीक है इट डज नॉट फॉर्म अ ड्रॉपलेट और समथिंग सर पर मोल्टन फॉर्म में तो ग्लास भी लिक्विड ही होता है मोल्टन फॉर्म में ना हम तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जो भी चीज हम लेते हैं सॉलिड लिक्विड वी डिस्कस इन रूम टेम्परेचर सर वो फॉर्म हो सकता है क्या फॉर्म किसमें डालोगे बताओ सर सॉलिड सॉलिड के अंदर फॉर्म को अगर प्रेस करते हैं तो बाहर क्या निकलता है गैस निकलती है तो फॉर्म किसका एग्जांपल हुआ सर गैस एंड लिक्विड गैस इन सॉलिड गैस इन सॉलिड देखो बेटा जो मैं इनकी बात कर रहा हूं ना मैंने बोला लिक्विड इन सॉलिड अब ये चीज समझ जाओ कि जो चीज बनेगी उसकी शेप फिक्स्ड है वो चेंज नहीं हो सकती ओनली थिंग इज जब आपने लिक्विड डाल दिया उसके अंदर तो उसकी शेप जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी बट इट विल मेंटेन इट्स शेप यहां पर एग्जांपल क्या होगा आपने वो देखिए स्ट्रॉबेरी जेलीज जो होती हैं है ना सॉलिड है बट उंगली से करोगे तो गीला गीला महसूस होगा है ना और शेप चेंज हो जाएगी है ना अगर मैं बटर की बात करूं बटर अपनी शेप मेंटेन कर रहा है ना सॉलिड बट आप उंगली से रूम टेम्परेचर पर बटर रखा हुआ इट विल मेंटेन इट्स शेप बट उस बटर के अंदर आप फिंगर डालेंगे तो फिंगर इंसर्ट हो जाएगी आपकी सो बटर इज अ लिक्विड इन सॉलिड है ना जो भी है वो सर सॉलिड और लिक्विड है ना वो प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेंगी इट विल नॉट चेंज इट्स शेप और अगर लिक्विड है तो इट विल चेंज इट्स शेप खत्म बात हाँ जी सर पर रूम टेम्परेचर पे तो बटर तो मेल्ट जाता है बेटा रूम टेम्परेचर पर अगर आप बाहर रखेंगे आई एम नॉट श्योर है ना मेल्ट हो रहा है या नहीं वो ठीक है देखना पड़ेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटर्स आर देयर घी भी डिफरेंट टाइप है ना तो वी आर टेकिंग इट नॉर्मल फॉर्म में जो बटर मिलता है हमें है ना वो एक सॉलिड फॉर्म में बटर मिलता है बट दैट इज अ कोलॉइड विद लिक्विड इन सॉलिड हाँ जी स्लाइम को क्या बोलेंगे स्लाइम बेटा आप डालते हो तो वो चेंज कर लेता है अपनी शेप है ना आपको फोर्स तो नहीं करना पड़ता ना स्लाइम की शेप चेंज करने के लिए तो स्लाइम लिक्विड हो गया पहली बात लेकिन वो अपनी लिक्विड की प्रॉपर्टी लूज करता हुआ सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है तो स्लाइम इज सॉलिड इन लिक्विड एक मिनट बेटा ये स्लाइम समझ में आया आपको yes. हाँ जी सर आई वांटेड टू आस्क सर व्हिप्ड क्रीम क्या होगी सर उसकी कर लेते हैं एक बार पहले आगे करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं ना व्हिप्ड क्रीम भी आएगा आगे ठीक है सो आई एम टॉकिंग तो एलॉय एलॉय सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर होता है तो एलॉय भी कोलाइड होएगा हाँ अब एलॉयज जो है वो आपका सॉलिड इन सॉलिड में डाल सकते हैं बट एलॉय कम्स अंडर सॉल्यूशन आल्सो एलॉय कम्स अंडर मिक्सचर आल्सो है ना एलॉयज को अगर आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पर देखेंगे तो वो कोलॉइडल बन जाएगा और बहुत डिटेल्ड माइक्रोस्कोप में नहीं देखेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा सर व्हाट अबाउट क्ले मतलब हम उसे मोल्ड कर सकते हैं लेकिन क्ले अपनी पोजीशन अपनी शेप चेंज नहीं करता है ना आपने क्ले लेके रखी है वो क्ले ऐसी ही रहेगी जो बच्चों की क्ले होती है या क्ले जिसे पॉटरी बनाते हैं तो क्ले इज अ सॉलिड है ना बट हैविंग अ वाटर इन इट तो क्ले इज लिक्विड इन सॉलिड ओके सर ठीक है सो वी हैव गॉट लिक्विड इन सॉलिड वी हैव गॉट लिक्विड इन लिक्विड वी हैव गॉट लिक्विड इन गैस ठीक है लिक्विड इन सॉलिड दिस इज कॉल्ड एज जेल लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड एज इमल्शन And liquid in gas is solid in gas is solid aerosol, liquid in gas is
liquid aerosol. Liquid in solid. Liquid in solid में shape किसकी होगी decide? Solid decide करेगा shape. Agreed on this? तो मतलब क्या है? जो चीज है हमारे पास वो shape maintain कर रहा है. But soft है. It is soft. For example, jam. Strawberry jam. Plate में रखोगे अपनी shape maintain रखेगा. But it is too soft. है ना? You have got butter is there. ठीक है? You have got jellies are there. है ना? Strawberry jellies and all these are there. है ना? You have got hair. अच्छा अब hair gel भी अलग अलग type में है. कुछ हैं जो आपका solid in liquid में आएंगे और कुछ gel हैं जो liquid in solid में आएंगे. You are getting my point? आपके gel जो है कुछ होते हैं जो आप ट्यूब से स्क्वीज करके निकाल रहे हैं ड्रॉप फॉर्म में आ रहे हैं और कुछ जेल जो है वो क्रीम की फॉर्म में होते हैं है ना दे विल मेंटेन देयर शेप तो जेल मैं यहां नहीं लिख रहा हूं अब लिक्विड इन गैस की बात कर लेते हैं सोचो गैस मतलब हवा में है और उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं वाटर वेपर वेपर वाटर वेपर्स कहां क्या क्लाउड में या फिर फॉग बन गया या फिर मिस्ट बन गई या फिर Steam. आपने कुछ कुछ किया तो परफ्यूम है ना परफ्यूम बाहर निकलता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं एंड देन दे कम टू यू नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड तो ये तो लिक्विड ही रहेगा है ना इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लिक्विड इन लिक्विड में सैनिटाइजर यहां हां जी हां जी हैंड सैनिटाइजर हां जी सैलेड ड्रेसिंग क्या चीज सैलेड ड्रेसिंग ठीक है अब यहां पर देखो दो टाइप में मेन है पहला है ऑयल इन वाटर ठीक है इसको चर्न कर दिया आपने होता क्या ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं बट आपने इसको चर्न किया छोटे छोटे निन्ने मुन्ने पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया तो फिर ये वापस जुड़ भी नहीं पाते हैं फिर अलग अलग नहीं हो पाते हैं ऑयल और वाटर अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाते हैं वो जो इमिसिबल है वो इमिसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह जाते हैं और ओवरऑल फॉर्म में वो मिसिबल से दिखते हैं हमें और दूसरा है वाटर इन ऑयल ठीक है ऑयल इन वाटर मीन्स ऑयल पार्ट कम है वाटर पार्ट ज्यादा है ऑयल इज वॉट ऑयल इज अ फैट हियर और फैट में अगर हम चॉकलेट के या केक के ऊपर की अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं है ना तो दैट इज अ क्रीम इज देयर ऑन टॉप ऑफ द केक है ना उस क्रीम की बात कर रहे हैं और अगर मैं वाटर इन ऑयल की बात करूंगा ठीक है तो वाटर इन ऑयल में आप ऑयल ज्यादा है वाटर कम है तो यहां पर आई विल टॉक अबाउट आप जो बटर बोल रहे थे तो मेल्टेड बटर है ना मोल्टन बटर ठीक है बाकी भी इधर ही कहीं पर क्वालिफाई होते हैं जैसे कि अगर मैं मिल्क की बात करूंगा तो मिल्क इज ऑयल इन वाटर ठीक है मिल्क एक वाटर फॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं साथ में थोड़ा फैट है ऑयल का मतलब यहां पर फैट है सो दिस मिल्क विल कम इन दिस कोलोइडल मिल्क इज अ कोलोइडल और इमल्शन फॉर्म इज देयर अगर मैं मेयोनीज की बात करूंगा तो मेयोनीज जो है वो मेनली फैट है जिसके अंदर वाटर इज मिक्स्ड है ना दिस मेयोनीज विल कम हियर ठीक है अब सैलेड ड्रेसिंग इज ऑयल इन वाटर दैट इज सैलेड ड्रेसिंग बट सभी मल्शन को ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मॉइस्चराइजर है जो आप नहाते वक्त यूज कर रहे हैं ठीक है या नहाने के बाद आप लगा रहे हैं फेस पर है ना तो दोस विल कम हियर हां जी बोलो सर व्हाट इज सैलेड ड्रेसिंग सैलेड्स के ऊपर जो सॉस वगैरह लगाते हैं सर आई हैव अ डाउट हां जी सर जैसे जब हम सोप को अपने हाथ पे रब करते हैं अगर हम उस वाले फोम को देखें तो फिर वो क्या है दैट इज गैस इन सॉलिड In liquid.
ओके सर। सर व्हिप्ड क्रीम का भी बताना एक बारी। व्हिप्ड क्रीम यहाँ तो गया आपका? सर पर लिक्विड तो फ्लो करता है या ड्रॉप करता है? आप व्हिप्ड क्रीम कौन सी क्रीम की बात कर रहे हैं? सर जब उसको अच्छे से व्हिप कर देते हैं ना तो सर वो चाहे उसको उल्टा भी कर दे तो सर वो ड्रॉप नहीं होती। तो सर बट आप उसको होल्ड करके रखेंगे ना, लिक्विड फेस का मतलब है ऐसा नहीं है कि मतलब वो इमीडिएटली ड्रॉप नहीं हो रही है। अगर आप उसको होल्ड करके रखेंगे उसी फॉर्म में, क्या उसकी शेप चेंज हो रही है धीरे धीरे करके? नो सर। तो फिर आप मे बी आप बटर की बात कर रहे हैं फिर, यू नो आई विल से देन इट इज लिक्विड इन सॉलिड। नो सर, सर ही इज टॉकिंग अबाउट दैट क्रीम सर जो केक पे लगाते हैं सर। यस सर। जो केक पर लगा रहे हैं हम? यस सर। आप उसको करके भी उल्टा भी कर देते हो ना तो सर वो कंटेनर में सेट रहती है उसी पोजीशन में। ओके सो आई विल से दैट इज गैस इन सॉलिड। नहीं सॉलिड तो है नहीं वो, है ना? व्हिप क्रीम को टच करेंगे यू विल फील वेट वेट। यस सर। सर हैंडआउट्स में गैस इन लिक्विड लिखा है। तो गैस इन लिक्विड हो जाएगा वो, बट गैस इन लिक्विड इज जो झाग होते हैं ना दोज आर गैस इन लिक्विड। सोप के झाग है ना, या फिर आप मिल्क को ऊपर नीचे कर रहे हैं, या बियर है ना, तो उनका जो फ्रोथ बनता है दैट इज गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो अगर आप इधर इस क्रीम की बात करेंगे तो आई विल पुट इट अंडर लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड में भी डाल सकते हैं उसे, बट सॉलिड पार्ट लेस है एंड लिक्विड पार्ट कम है। ठीक है, देखो वो दैट थिंग शुड कम अंडर लिक्विड, इन लिक्विड में ही आना चाहिए, बट अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो हो सकता है लिक्विड पार्ट फिर वो कम हो गया है। ठीक है, लेट मी चेक, मेरे को एक बार चेक करने दो कि क्या बेस्ट सूट करेगा उसमें। सर तो कॉफी जब भी थोड़ी देर उसको रखते हैं तो वो थोड़ी सौगी सौगी हो जाती है और उसके बाद में वो थोड़ा जूस भी सेक्रेट करती है, तो वो लिक्विड लिक्विड एंड सॉलिड हो सकती है? नहीं नहीं कॉफी में अगर पानी मिला रहे हैं आप, है ना, तो कॉफी तो बेटा अच्छे से मिल जाती है, फिर देन इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉफी इन वाटर विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, फिर वो कोलॉइड नहीं है। नहीं सर, जब भी मतलब ऐसे प्लेट में अगर आप डाल के रखेंगे बाहर भी तो भी हो जाता है वो। ओके मतलब आप कह रहे हैं कॉफी आपने वो बाहर छोड़ दी, उसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है। यस सर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, है ना? सो दैट इज सॉलिड ज्यादा है आपका, लिक्विड कम है। ठीक है, बट स्टिल इट्स अ सॉल्यूशन विल बी फॉर्म, इट विल बी अ लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्यूशन बनेगा वो, है ना, इक्वली डिस्पर्स्ड है। ठीक है, और बेटा क्रीम जो आप व्हिप्ड क्रीम बोल रहे हैं, आई विल पुट क्रीम इन दिस टू कैटेगरीज, है ना, क्रीम इन दोनों कैटेगरीज में आएगी आपका। सर व्हाट अबाउट साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म तो मैंने ऊपर डाला ना यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड जिसके अंदर बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रही हैं, सो इट्स अ सॉलिड इन लिक्विड। डन डन हो गया यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट वन इज गैस इन। गैस भी कई तीन चीजों में होंगी बेटा हमारी, है ना, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। नो कोलॉइड, इट फॉर्म्स
सॉल्यूशन। मैंने आठ कैटेगरीज बोली थी ना, तो ये नाइन्थ वन गैस इन गैस जो है ये हमारा कोलॉइड नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप गैस इन लिक्विड करेंगे तो झाग बनेंगे ना, झाग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्म। और सॉलिड के केस में यू विल कॉल इट सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर हमारे एग्जांपल्स क्या होंगे, यू हैव गॉट स्पॉन्ज, यू हैव गॉट मैट्रेस फॉर्म, यू नो यू हैव गॉट स्क्रबर, जो वॉशरूम्स में स्क्रबर होता है ना, फीट का स्क्रबर स्टोन की शेप में है ना, जिसके अंदर होल्स आर देयर। और यू कैन से मार्शमेलो, पता है आपको? यस सर। यस सर। टॉफी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट टॉफी होती है, पिचकाओ तो पिचक जाती है बिल्कुल, अदरवाइज वो अपनी शेप मेंटेन रखती है। पिचकाने पे पिचक क्यों गई, क्योंकि हवा बाहर निकल गई, बट फिर वो वापस अपनी शेप पर आ जाता है ना। दिस आर एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। हाँ जी सर, ऐसे तो फिर पूरी भी एक एग्जांपल हो गया गैस इन सॉलिड। कौन सा सर? पूरी। पूरी सर? सर वो सर जो रोटी के फॉर्म में होता है। अच्छा, जैसे ढोकला ना, ढोकला होता है सर, है ना। बट ढोकले के अंदर क्या है, उसके अंदर गैस भी है और लिक्विड भी है, दोनों है, तो वो स्पेशल कोलॉइड हो जाएगा, गैस एंड लिक्विड इन सॉलिड। एक्सक्यूज मी सर, एंड गैस इन लिक्विड? हाँ जी बोलो सर। तो मतलब जो कुछ भी कंप्रेसिबल है, क्या हम उसे सॉलिड फॉर्म मान सकते हैं? जो कंप्रेसिबल है, जो अपनी शेप मेंटेन कर रहा है, वो सॉलिड है। अब थोड़े से फोर्स से चाहे वो कंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके सर। जिसके ऊपर मैंने फोर्स नहीं लगाया और वो अपनी शेप मेंटेन कर रहा है, वो सॉलिड है। सो गैस इन लिक्विड, तो यू हैव गॉट सोप बबल्स आर देयर, ठीक है, और फ्रोथ इज देयर, ठीक है ना, स्पेशली बियर फ्रोथ इज देयर, बियर फ्रोथ, फ्रोथ इज देयर, आई डोंट नो स्पेलिंग है ना, फ्रोथ चेक कर लेना, ए आएगा या नहीं आएगा सर? देयर इज नो ए। नो ए ना, ओके, ठीक है। तो आई विल पोस्ट अ क्विज ऑन कोलॉइड। तो कोलॉइड में हमारा इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक अप सस्पेंशन एंड देन वी विल टेक अप सेपरेशन, डिफरेंसेस बिटवीन देम, डिफरेंसेस सर। हाँ जी सर, आपने ऑयल इन वाटर में थर्ड वाला क्या लिखा है? किसी, अच्छा, ऑयल इन वाटर में सैलेड ड्रेसिंग, सर व्हाट इज बियर फ्रॉथ? बियर फ्रॉथ बेटा, जो बियर वो निकालते हैं तो उसमें बियर में ऊपर झाग बन जाते हैं ना, एग्जैक्टली सेम एज द फ्रॉथ ऑन सॉफ्ट ड्रिंक। आप सॉफ्ट ड्रिंक को थोड़ी सी हाइट से या फास्ट फास्ट ग्लास में डालते हैं तो ऊपर झाग बन जाते हैं। ओके सर, दैट फ्रॉथ। सर नीचे कर दो थोड़ा सा, ये गैस नहीं दिख रहा, गैस इन गैस का ये। अब ठीक है? यस सर। सर अगर हम स्किन की बात करें तो? स्किन की तो वो कोलॉइड है ही नहीं, स्किन थोड़ा कोलॉइड है। ओ यस सर। सर सॉफ्ट टॉय भी गैस इन सॉलिड होगा ना? क्या चीज? सॉफ्ट टॉय।
सॉफ्ट टॉयज गैस इन सॉलिड. हाँ जी बिल्कुल. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट वीक जो है विल हैव बोथ साइंस क्लास विल बी देयर है ना. नेक्स्ट वीक इज अ साइंस वीक इज देयर. मैथ्स में सिलेबस आपका सही चल रहा है प्लस मैथ्स का सिलेबस बहुत कम है कंपेरेटिव टू साइंस सिलेबस. तो नेक्स्ट वीक हम टिश्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और ये वाला चैप्टर फिनिश भी करेंगे. ठीक है. लाइंस एंड एंगल्स में कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलो जी. एनी अदर थिंग? नो सर. चलो लेट्स एंड द सेशन. बाय बाय. गुड नाइट. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. वेलकम. बाय बाय.